जी सत श्री अकाल ते नाले जिहड़ी तुहाडी हुण ड्यूटी बणदी आ चैनल नूं सबसक्राइब कर दो एदां उंगल मार के नाले बैल आइकोन बणिया होया घंटी जिही उहदे ते भी मार दो क्योंकि जदों कोई नवीं चीज़ असीं होर पाई तां तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन आ जाऊ सो कर लो सबसक्राइब। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के हरियाणा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी विच पढ़ते एक कश्मीरी विद्यार्थी नाल कुछ लोगों ने कुटमार की। घटना उस वेले वापरी जदों कश्मीरी विद्यार्थी नमाज पढ़न तो बाद मस्जिद तो बाहर आया। विद्यार्थी के चेहरे ते कुछ चोटां दे निशान भी सन। जावेद ने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर की मुख मंत्री महबूबा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह अते जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित विद्यार्थी ने ट्वीट का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर की मुख मंत्री महबूबा ने इस घटना की जोरदार निंदा की। जावेद ने दसा कि वह नमाज पढ़ने तो बाद अपने दोस्तों नाल मस्जिद तो बाहर आ रहा था कि इसके दौरान कुछ लोगों ने उसनु कुटमार करना शुरू कर दिया। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। यहाँ से महेंद्रगढ़ के लिए निकला था यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे मैंने नमाज वगैरह अदा की और भी कुछ काम थे हमें तो वो भी निपटा है। अब तो नमाज पढ़ने के बाद जब हम मार्केट में गए तो मार्केट में इस तरह से था कि कुछ लोग थे शायद इस तरह के, वो हमारे पहले से हमें फॉलो कर रहे थे लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो वहाँ पे चौक है मसानी चौक है तो वहाँ पे जब हमने बाइक अपनी खड़ी की, बस जो ही हमने बाइक को खड़ा किया तो उसी वक्त कुछ लड़के आए, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और मुझे भी पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये मेरा दोस्त था साथ में, इसको भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया लेकिन ये इसने अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश की और वहाँ से ये जल्दी से भाग गया, वरना इसको भी काफी मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल कहा था कि आखिर मार क्यों रहे हो, मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्टूडेंट हूँ, बस मैंने इतनी मेरे मुंह से इतनी आवाज निकली होगी बस, कुछ भी नहीं, सिर्फ मारते जा रहे थे और इर्द गिर्द लोग थे और उन्होंने भी कुछ अपना रिएक्शन नहीं दिखाया, वो भी ऐसे लग रहा था कि वो भी उनके साथ हैं, लोगों ने भी कुछ जवाब कुछ नहीं दिया। ईंट वगैरह ली हुई थी, हेलमेट वगैरह उतार के मारा था उन्होंने, बॉल कुछ नहीं देते सिर्फ मार रहे थे, उनसे पूछा था क्यों मार रहे थे। सर मेरा नाम आफ्ताब अहमद है, मैं यहाँ MSc ज्योग्राफी में हूँ और फोर्थ सेमेस्टर में इस वक्त मेरा चल रहा कोर्स और मैक्सिमम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहे हैं अब कोर्स खत्म होने में। तो कल हम अराउंड 12:30 बजे हम यहाँ से निकले यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में काम बहुत होता है तो बहुत कम मौका मिलता है यहाँ से बाहर निकलने का। तो कल हम यहाँ से गए महेंद्रगढ़ और फ्राइडे भी था तो हमने सोचा नमाज भी हो जाएगी और जो अपना काम है जो कुछ लेना जो अपने कोई नोटबुक वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो हम महेंद्रगढ़ से ले लेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा मस्जिद चले गए, वहाँ नमाज वगैरह हमने नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो उस वक्त ये मामला शुरू हो गया और कुछ लोगों द्वारा लेकिन उस वक्त ये है कि हमें माइंड में वो नहीं था कि कोई हमारा पीछा भी कर सकता है क्योंकि आना जाना पहले भी लगा रहता था, तो उस चीज से हम बेखबर थे कि इस तरह का माहौल है कि हमें बचना भी चाहिए यहाँ पे, लेकिन उस वक्त वो हमारे दिमाग में ख्याल नहीं था। लेकिन जब हमने अपना काम खत्म किया वहां से और वंशाली जो चौक है वहां की, वहां से जब हम अपनी जब हमने बाइक अपनी स्टार्ट की, ये मेरे पीछे बैठा जो मेरा दोस्त था, बस जो ही इसने पीछे सीट पे अपना जो ही सीट पे बैठा और कुछ लोग आगे पीछे से मुझे पीटना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ सवाल जवाब कुछ भी नहीं हुआ और मैं उनसे सिर्फ इतना कह रहा था कि सर मेरी गलती क्या मुझे ये तो बताओ, उन्होंने कुछ भी उस वक्त ना सुनी ना कही कुछ भी नहीं, बस मारना शुरू कर दिया और वो लोग 15-20 के आसपास थे। वो लोग मैं यहाँ से इस अपने हॉस्टल से भी बहुत कम बाहर निकलता हूँ, यहाँ तक मैं बहुत कम आता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा उनके जो चेहरे, मुझे उस वक्त मैंने उनके चेहरों की तरफ भी नहीं देखा, मुझे उन्होंने देखने भी नहीं दिया, उन्होंने इस तरह से पीटा मुझे। सर एक दो हमारा जो हेलमेट था वही छीन के उससे भी मारने लगे और ईंट भी उठा ली थी उन्होंने, लेकिन वो है कि वो निशाना चूक गए उन ईंटों से। जी सर उस वक्त जब ये घटना हुई तो थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ चुकी थी तो उन्होंने सारा देखा मामला वगैरह, उन्होंने हमें
हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना और जो रिपोर्ट वगैरह जो उनकी कार्रवाई होती है इस पर उन्होंने कहा, तो उस वक्त वो चले गए वहाँ से। हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया, जो उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह ने बताया था कि एक्सरे वगैरह करवा लीजिए, तो उस वक्त वहाँ पुलिस पहुंची नहीं। हमने अपना काम वगैरह वहाँ पे खत्म किया लेकिन वो पहुंचे नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम सीधा यहाँ पे अपने कैंपस में आ गए। जी सर, हाँ, हमने अपनी अथॉरिटीज से की है शिकायत, जो हमारे DSW में VC साहब हैं सर, हमारे वार्डन हैं और भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो हमारे साथ ही रहे, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया हमें। लेकिन कोशिश ये है कि अगर आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारा वैसा माइंड नहीं है, क्योंकि हम सोचते थोड़े, हमारी जो सोच है वो ओपन सोच है। हम अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें ये थोड़ा पता है कि रास्ते में क्या हो जाए, क्योंकि एक तो इतने दूर से हैं और घर वाले भी बहुत टेंशन में। अभी तक तो मैंने अपने घर वालों को, मेरे घर वालों को बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये वारदात हुई। अगर उनको पता चल जाए तो वो तो यही कहेंगे कि बेटा उठाओ बिस्तर और वापिस आ जाओ। और अब रह भी कुछ ही महीनों की बात है, अगर ऐसे में हो जाए तो अपना ये यहाँ से भी मसला खराब हो सकता है। सर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आज मेरे साथ ऐसा हो या मेरे दोस्त के साथ, किसी और के साथ भी, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि जहाँ पे जो अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैक्सिमम जो है वो आउटर है, आउट ऑफ स्टेट है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई केरला से है, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, मीन्स ऑल ओवर द जो डायरेक्शन से जो स्टूडेंट इस कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पता नहीं इनकी क्या मेंटालिटी है, वो किस बेस पे ये चीजें छोटी छोटी जो वारदातें होती रहती हैं, आज छोटी हैं, कल अगर बड़ा इशू हो गया तो ये चीज अच्छी मुझे नहीं लगी, क्योंकि वहां जो लोग थे वो भी सिर्फ देख के, वो भी बस खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने भी कुछ वहां पे हेल्प वगैरह कुछ नहीं की। मैं उस वक्त क्या भी रहा था कि मुझे बचाओ, कोई भी आगे नहीं आया, और ये चीज मुझे बहुत शर्मिंदगी करने वाली ये बात है कि लोगों में इस तरह से वो कि वो किसी की मदद करने के लिए आगे भी नहीं आते और अकेला इंसान वहाँ पे पीट रहा। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था और उन्होंने भी काफी हमें सपोर्ट दी। उसके बाद हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो भी आए, उसके बाद हमारे जो राजौरी के DC हैं वो भी आए, और सर और भी काफी जो है वहाँ पे उन लोगों ने हमें सपोर्ट की काफी, और इस चीज की हमें खुशी भी है कि सभी हमारे साथ हैं। मेरा नाम अमजद अली है, मैं भी MSc ज्योग्राफी के 4th semester का स्टूडेंट हूँ। हम दोनों बैठे महेंद्रगढ़ गए थे, कुछ काम था अपना, और फिर सोचा कि जुम्मा की नमाज अदा करके वापस आएंगे। जब हम मस्जिद से निकले कुछ लोग हमारे पीछे थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम वहाँ चौक में पहुंचे तो उधर मुझे दर्जी के पास कुछ काम था, वहां से मैंने अपने कपड़े ठीक करवाने थे, वहां से जो ही गाड़ी पे बैठे और कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया था। पूछा था हमने लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे, मार रहे थे, काफी सारे थे, ईंट लिए थे, उन्होंने हेलमेट छीन लिया था, उससे मारा था। हम किसी को नहीं जानते, हम घर से आने के बाद आज पहली बार गए थे उधर, वो सब अननोन थे, हम नहीं जानते किसी। वहाँ पहुंच गए थे मौका पर, उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल चलो हम वहाँ आएंगे, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में आए नहीं। हमने मेडिकल चेकअप जो सब कुछ करवाया, काफी देर उनका इंतजार करने के बाद 5 बजे हम तकरीबन वहाँ से यूनिवर्सिटी आए थे। फिर हमने यूनिवर्सिटी में यहाँ इंतजामिया को बताया, इनने उनको कहा, फिर SHO साहब शाम को आए थे यहाँ और वो पूछताछ करके गए। हम ये चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ ये किसी दूसरे के साथ ना हो। सभी बच्चे हम बाहर जाते हैं, किसी को इकट्ठे तो एक साथ नहीं जा सकते, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आए दिन यहाँ यूनिवर्सिटी में होता रहता है और ये नहीं होना चाहिए, सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हाँ, पहले इधर आगे हमारा लास्ट सेमेस्टर में हमारी क्लास का एक था स्टूडेंट, उसके साथ भी हुआ था रेलवे स्टेशन पे, कुछ लोगों ने मारा था। ये हम मस्जिद से निकल रहे थे, शायद इसकी दाढ़ी और ये अपना इसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था, शायद इसकी वजह से। मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी सोच को तब्दील करना होगा, ऐसे हर किसी को अपने तरीके से पहनने का, अपने तरीके से वर्शिप करने की इजाजत होनी चाहिए। कुछ भी हो, हर कोई इंसान है, इंसान की तरह इंसानों से बर्ताव करना चाहिए और आगे से किसी दूसरे के साथ ये ना हो जाए। जेकर सच बोलना सच लिखना बगावत है तो समझो असी बागी हाँ। सच अते हक दी आवाज, दुनिया दे हर कोने कोने दी गल, पंजाब TV करेगा सच दा खुलासा। तुसी देखते रहो पंजाब TV, सच अते हक दी आवाज़।